अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग मास्क लगा रहे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और मैं हूँ आरजू काजमी, नाम तो सुना ही होगा, क्या कहते हैं। तो जी, हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको आज की न्यूज़ बताते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जनाब, बहुत से लोगों ने कहा था कि जी जब गर्मी आ जाएंगी और विंटर खत्म होगा तो कोरोना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। इसलिए कि अब समर वेकेशंस भी आने वाली हैं और बहुत गर्मी भी हो गई है इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी क्या पूरे पाकिस्तान में हर जगह, लेकिन कोरोना वैसे का वैसा है। खैर, हम आपको बात बता रहे थे कि इमरान खान साहब ने, मैं उनकी नई पिक्चर लेके आई हूँ। बहुत से लोग हमें कह रहे थे आप हमें वही पुरानी पिक्चर दिखाती रहती हो जो ब्लैक सा सूट पहना हुआ खान साहब ने। तो चले, आज हम आपको एक नई पिक्चर दिखा देते इमरान खान साहब की। तो इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान में की एक रोड बनाने जा रहे हैं, वो एक सड़क बनाने जा रहे हैं बलूचिस्तान में। वहां का फाउंडेशन स्टोन रखा, मगर कहाँ रखा? इस्लामाबाद में। यानी आप सोचें कि रोड जो है या सड़क जो है वो बन रही है बलूचिस्तान में, और उसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा जा रहा है वो इस्लामाबाद के अंदर। यानी खान साहब की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो जाएं और जाके बलूचिस्तान में ही ये फाउंडेशन स्टोन रख दें। कहा तो ये भी जाता है कि जी आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो एक ही पेज पर है। लेकिन अगर हम ये पिक्चर देखें तो इस पिक्चर को देखते में ऐसा लगता है जैसे बाजवा साहब उनको नीचे की तरफ कोई चीज दिखा रहे हैं और खान साहब पे कहीं ऊपर की तरफ ही कहीं जहाज उड़ रहे हैं, तो पता नहीं कहाँ देख रहे हैं। लेकिन खान साहब ने एक चीज और भी कही थी, उन्होंने कहा था कि जी मैं जो है वो, अब मेरी गवर्नमेंट जब आएगी तो मैं 50 लाख घर बना के दूंगा उन लोगों को जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने को। तो खान साहब ने कहा था जी मैं 50 लाख घर दूंगा, तो वो 50 लाख घर भी मैं आपको दिखा देती हूँ जी। ये है वो 50 लाख घर जो खान साहब बनाकर और पाकिस्तान में लोगों को देने वाले हैं, और देना शायद शुरू भी कर दिया हो। वैसे एक बात है, अगर कोई बेगैरती का मेडल मिल रहा होता तो जरूर इमरान खान की जो गवर्नमेंट है या उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनको जरूर मिल गया होता। अभी जैसे आपको, आप जानते हैं उनकी एक मिनिस्टर हैं सरताज गुल, जो अक्सर हर चीज का क्रेडिट खान साहब को दे देती हैं। यहाँ तक कि वो कहती हैं अगर पाकिस्तान में बारिश होती है तो वो कहती हैं इसका क्रेडिट भी खान साहब का है। ये वीडियो भी उनकी मौजूद है, आप लोगों ने हो सकता है देखी ही हो, नहीं देखी तो मुझे बता दिएगा, मैं वो भी ढूंढ ढांड के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी। लेकिन फिलहाल जरताज गुल साहिबा ने किया क्या है कि जो हमारे यहाँ डोनेशन आई यानी कतर से और दूसरी जगहों से, वहां पर अपना नाम लगा दिया है उन्होंने। ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है ये मोहतरमा जरताज गुल की तरफ से है, और मतलब एक पैसा खर्च किए बगैर जो है ना, वो मानिया कहा जाता है ना कि वो उंगली कटा के शहीदों में शुमार हो गए। तो बिल्कुल इनका वही हाल है कि मतलब इन्होंने किया कराया कुछ नहीं है और अपना नाम जो है वो इस्तेमाल कर रही है। साथ ही में एक पिक्चर और देखो, ये भी सुबह आप लोगों ने देखी होगी कि ये चार कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, और ये उनमें हमारे वाले भी हैं सबसे आखिर में, और उन्होंने जहमत नहीं की है कि वो मास्क लगाएं, इसलिए कि हमें तो यकीन ही नहीं है कि ये कोरोना का वायरस जो है वो कोई चाइना से आया है या ये भी कोई चीज होती है। यानी कोई क्या कहें, जहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स और दूसरे लोग ही मास्क लगाने में इतनी सुस्ती दिखाएंगे और ऐसे बताएंगे कि जैसे कुछ चीज ही नहीं है, तो फिर वहां की पब्लिक क्या कर रही होगी। बिल्कुल हमारे यहाँ की पब्लिक भी कुछ इसी तरह की है, बहुत कम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, बहुत कम लोग सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, और पार्टीज वार्टीज भी शुरू हो गई हैं। साथ ही हम बात करेंगे जी फलस्तीन की, अगर हम बात करें तो बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो फलस्तीन का मसला हल करने के लिए भेजे गए हैं। वैसे तो जंग बंदी हो गई है, लेकिन फिर भी कुरैशी साहब जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया है कि जी वो दोनों जो हैं इजराइल और फलस्तीन उनके बीच की जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, उसको खत्म कराएं। जबकि ये बेचारे तो पिछले 40 साल से अपने भाई के साथ इसी बात के ऊपर लड़ रहे हैं कि जी इनका जो वो दरगाह होती है या वो जो होता है ना दरबार सा होता है जहाँ ये बैठ के पैसे लेते हैं, मैंने आपको वो पिक्चर्स भी दिखाई थी, कि वो अभी तक ये वही नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि उस पे उस गद्दी नशीन बोला जाता है उसका, कि वो इनके भाई बैठेंगे या ये बैठेंगे। इनका तो अभी तक मतलब अपना जिसे कहना चाहिए घर का ही मसला हल नहीं हुआ है, तो फिर ये भला दूसरी दो कंट्रीज का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। साथ ही एक एक न्यूज और भी थी हमारे पास कि जी कोई बहुत ही बहादुर कोई इंसान है जिसने के जी केस कर दिया है सीपैक के चेयरमैन के ऊपर।
कि जी जो ये हैं आसिम सलीम बाजवा साहब, इनको आप जानते ही होंगे। ये अपने सी पैक से ज्यादा तो ये अपने फ्रेंचाइज जो इनकी है पिज्जा की, उसके लिए ये ज्यादा मशहूर है और उसी में ज्यादा पहचाने भी जाते हैं। तो इनके लिए कहा गया है कि जी उस आदमी ने केस कर दिया है कि ये सी पैक के चेयरमैन नहीं रह सकते। ये एक केस कोर्ट के अंदर एक आदमी ने जो है वो जमा करा दिया है बलूचिस्तान से। अब लग ये रहा है कि वो केस का तो खैर क्या ही होगा, मेरे ख्याल है कुछ दिनों में उस आदमी की कहीं से डेड बॉडी ही मिलेगी जो पहचानने के काबिल नहीं होगी, और फिर डीएनए टेस्ट वगैरह करके कह देंगे कि जी इसको तो वो जैसे वो नहीं थे, पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की यार, क्या क्या नाम था उसका, मिस्टर नटवरलाल, उसमें था ना, वो कहते थे कि वो अमजद खान उठा उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि जी ये तो कोई शेर उठा के ले गया, तो इसी तरह से कह दिया जाएगा कि कोई जंगली जानवर उठा के ले गया और उसके बाद उनकी इस तरह से लाश मिलेगी। जिन्होंने बड़ी हिम्मत की है कि उन्होंने जी आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ केस कर दिया है कि ये सी पैक जो है उसके चेयरमैन नहीं रह सकते। तो देखते क्या होता है। साथ ही ये साथ हमारे यहाँ के बहुत से जो लोग हैं, बहुत से आपको पता है मुल्ला माफिया है, और इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस मुल्ला माफिया को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने भी एक ये लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया पे की लगाई है, और उनका ये कहना है कि ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं इसके अंदर वो सारी जो है वो यहूदियों की बनाई हुई है और उसको बैन हो जाना चाहिए। मतलब ये चीजें उनका कहना है कि जी बिल्कुल भी पाकिस्तान में इस्तेमाल ना करें, कोई मुसलमान इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करे, और उसके साथ ही साथ ताकि हम इसराइल को मजा चखा सकें। अगर वाकई में हम इसराइल की या हम यहूदियों की या इवन काफिरों की कह लें, चाहे जो किसी भी मजहब के हों, उनकी चीजें अगर हम निकालना शुरू करें तो हमारे पास तो शायद यहाँ पे लोगों के पास तो सिर्फ चड्डी बनियान ही रह जाएगी पहनने के लिए, और तो कुछ रहेगा नहीं। इसलिए वो भी इसलिए रह जाएगी कि शायद मौलाना तारिक जमील ने बनानी शुरू कर दी है तो लोग उनसे खरीद लेंगे, वरना तो कुछ बचेगा ही नहीं यहाँ पर, ना कोई कपड़ा बचेगा, ना कुछ खाने पीने का बचेगा, ना घर के फर्नीचर बचेगा, ना कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये जो इनके ये जो धमकियां लगाते रहते हैं ना कि हम इधर अटैक कर देंगे और हम उधर एटम बम फेंक देंगे, वो सारी चीजें भी बहुत कुछ ऐसा है जो ऑफकोर्स काफरों का ही बनाया हुआ है, तो यहाँ तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए जरा लंबी लंबी छोड़े, वो हमारा भी यही काम है, हम लोगों को और आता है कि साउथ एशियंस को लंबी लंबी हम छोड़ते हैं, लेकिन थोड़ा देख के फेंका करें ना सर, ऐसे तो कुछ ज्यादा ही हो जाती है इस तरह से, जब इतनी लंबी फेंकते हैं। फैसल वाउडा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक इंतहाई बेशरम इंतहाई बेगैरत किस्म के मिनिस्टर रह चुके हैं, और टॉक शो में फौजी बूट लेके चले गए थे और उन्होंने बताया वहां पे कि जी फौजी बूट को चाटने के बाद जो है वो पहले मिनिस्टर बने, और उसके बाद जब उसी बूट को उन्होंने और ज्यादा चाटा तो उससे वो सेनेटर बन चुके हैं, और अब उन्होंने पंगा लिया है जहांगीर तरीन से। जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के एटीएम कहलाते थे, एटीएम कहलाते हैं, बीच में उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाने के भी अनाउंसमेंट की थी दो एक दिन पहले, लेकिन अब सुना है कि फिर कुछ इमरान खान साहब ने उनके मिनते तड़ले करके पांव छांव पकड़ के उनको फिर बनाने की कोशिश की है। तो जहांगीर तरीन साहब जो है उनके लिए फैसल वाउडा ने कहा कि जी ये तो एक SHO की मार है, यानी जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक SHO की मार है, तो उसके ऊपर अपने ही PTI के लोग जो हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी के ही लोग हैं, उनका एक कमेंट आया, वो हम आपको सुनाते हैं। मैं एक जुमला बोलना चाहूंगा कि तरीन साहब के ग्रुप से सरकार को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर हैं और अल्लाह ताला ने जब तक उनको इज्जत दी है वो जरूर रहेंगे, और ये चीजें बहुत आर्जी होती हैं। कभी भी कोई भी ता हयात इक्तदार के लिए दायमी इक्तदार सिर्फ अल्लाह ताला का है। अगर इमरान खान को किसी से खतरा है तो फैसल वाडा जैसे फजूल और घटिया इंसानों का है, जिसको जूते पड़ने चाहिए, और मैं हैरान हूं कि उसको अभी तक जूते क्यों नहीं पड़े। वो एक ऐसा बंदा है जो कि जरूर इमरान खान की किश्ती डबोने के अंदर एक बड़ा एक बहुत एक जी। तो आपने देखा कि इमरान खान साहब की जो पहले मिनिस्टर थे और अब उन्होंने उनको सेनेटर बना दिया है, वो भी आपको बता दें कि बहुत ही घपले वाले आदमी हैं ये फैसल वाउडा। इनके लिए पहले भी बातें हो चुकी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस भी है, डुअल नेशनलिटी का केस भी चल रहा है, और हर तरह के जैसे कहना चाहिए दो नंबरी काम में ये बहुत नंबर वन पर है।
तो इनके लिए इनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की कश्ती किसी ने डबोई तो वो फैसल वावड़ा ही होंगे, जो अपने इस तरह की स्टेटमेंट और जूते लेके जाके टॉक शो में बैठने वाली हरकतों और जबरदस्ती में झूठ बोलकर अभी तक उनका डुअल नेशनल होने का केस जो है वो चल रहा है और वो साबित नहीं कर पाए कि वो सही है। और साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस का भी उनके खिलाफ अभी तक आने वाला है, लेकिन आया नहीं है उनके लिए कोई फैसला, जो बार बार रुकवा दिया जाता है। आपको पता ही है कि कौन रुकवा सकता है पाकिस्तान में, कैसे एस्टेब्लिशमेंट जो है इस तरह के चोरों का साथ देती है। तो इसलिए फैसल वाउडा अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि बकरे की मां कब तक खैर मनाती है, किसी दिन तो आएंगी छुरी के नीचे। तो खैर आगे हम बढ़ते हैं, हम बताते हैं इमरान खान की हुकूमत का एक और स्कैंडल सामने आया है, और उसमें है कि जी आईएमएफ की तरफ से जो 1.38 बिलियन डॉलर इनको मिले थे, उस यानी पैकेज मिला था कोरोना के लिए, इनको दिया गया था कि जी आप यहाँ पे कोरोना जो फैल रहा है पाकिस्तान में तेजी से उसके ऊपर काम करने के लिए, उसके अंदर भी करप्शन निकल आई है, और उसमें से भी इनके जो मिनिस्टर्स हैं और जो इनके कर्ता धर्ता लोग हैं इनके आके इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के, उन्होंने वो पैसे खा लिए हैं एज यूजुअल। कोई खास बात नहीं है, इनके यहाँ ये चीज होती रहती है। इमरान खान साहब बड़े नारे लगाकर आए थे कि हमने करप्शन खत्म कर देनी है, लेकिन वो करप्शन अभी की अभी उधर ही है और उसको वो रुकती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। ये और बात है कि कोरोना के टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो है वो केसेस के नंबर्स भी कम दिखाई दे रहे हैं, और गवर्नमेंट अपनी इस नालायकी को छुपाने के लिए ये कहती रहती है कि जी कोरोना केसेस तो निकल ही नहीं रहे पाकिस्तान में, और पूरी दुनिया हमसे इंप्रेस हो रही है। मतलब पूरी दुनिया ने लगता है घास खानी शुरू कर दी है कि वो हमसे इंप्रेस हो रही है सबको छोड़ के, कि हम टेस्ट नहीं कर रहे और उसके बाद हम कह रहे हैं कि जी कोरोना तो केसेस ही नहीं हो रहे, लोग हमारे से इंप्रेस हो के जो है ना, वो बस उनके जो है ना कहना चाहिए दिमाग घूम गए लोगों के, और ये सब कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम एक चीज ये भी देखते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनके जो है करप्शन के केसेस जो हैं वो सामने आते ही चले जा रहे हैं, और खान साहब जो है वो उसको रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। और अब यहाँ पर खैर से दो पीटीआई हो गई हैं, एक पीटीआई जो है वो हो गई है जहांगीर तरीन की, जिनका मैंने आपको बताया, और एक इमरान खान साहब की। और यूथियस जो है उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो जहांगीर तरीन साहब को, जिनके लिए उन्होंने गाने बनाए थे कि तेरा बाप आ गया करके गाना आया था, वो मैं चला नहीं सकती वरना कॉपीराइट क्लेम हो जाता है, आपको पता है ना, वरना मैं आपको जरूर सुनाती, लेकिन आप लोग प्लीज गूगल करके जरूर वो गाना सुनिएगा, तेरा बाप आ गया। तो अब वो तेरा बाप आ गया के बाद जब वो बाप निकल गया साइड पे से, तो अब इनकी समझ में नहीं आ रही आ रहा कि अब इसको कंट्रोल कैसे करें, और इनको गालियां देनी है लेकिन कैसे गालियां दें। हुकूमत में होते हुए इमरान खान साहब का पिशावर मेट्रो में करप्शन केस निकला, उसके बाद इनकी बहन जो है बड़ी मशहूर, उनके जो है वो बाहर के कंट्रीज में यानी दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन और सब जगह पे उनके एसेट्स निकले, उनकी बहन के प्रॉपर्टीज हैं उनके, उसके अलावा शुगर स्कैंडल निकला, फिर हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड ये निकला इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का, उसके बाद अब रिंग रोड फ्रॉड भी सामने आया है, जो कि आप जानते ही हैं कि उनके बहुत ही करीबी दोस्त और उनके एटीएम कार्ड जुल्फी बुखारी उसमें इन्वॉल्व पाए गए। और अब देखना ये है कि जब गवर्नमेंट में होते हुए इतने करप्शन केसेस निकले हैं, तो जब इमरान खान साहब चले जाएंगे गवर्नमेंट से उसके बाद क्या होगा। यहां से हम आपसे इजाजत चाहेंगे और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।